नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उस डिटेल्स को पढ़ के मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, ये रीडिंग होगी 7 से लेके 13 तारीख तक की। जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो, टॉरस वर्गो, आप किसी जेमिनी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप लोगों का जो रिश्ता है ना, ये स्टक हो गया है, ये थम गया है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। बंदा इंतजार कर रहा है कि आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ उनको मिले, आपकी तरफ से कोई संकेत मिले, आपकी तरफ से कोई पहल हो जिसकी वजह से ये रिश्ते को आगे बढ़ा पाए। ये कोई नया रिश्ता है नहीं, जिनका भी एनर्जी आ रहा है इस कार्ड में ये कैच कर रहा है, कोई पुराना ही रिश्ता होगा। आप लोग बहुत ज़्यादा अनुभवी हो, ओल्ड सोल हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें छुपाने से मुझे लगता है कुछ बातों की अनबन हुई होगी, आपने कुछ बातें छुपाना चाहा होगा या फिर आपके पर्सन ने छुपाना चाहा होगा, जिसकी वजह से ये रिश्ता एक परेशानी में चला आया और ये रिश्ता कहीं ना कहीं स्टक हो गया, नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में चला आया। बंदा खुद को हील तो कर रहा है, बंदा या बंदी साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर रहा है, कब रिश्ते की तरफ से, आपकी तरफ से कब गुड न्यूज़ आए, आपकी तरफ से कब कोई संकेत आए कि ये समझ पाए कि आप भी इस रिश्ते में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, लेकिन आपकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा है। तो ये रुका हुआ है, स्टक है, थम सा गया है रिश्ते को, ये आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। अपनी सूझबूझ और समझदारी के साथ ये चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि ये रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहा है, ये साइलेंटली रिश्ते को ऑब्जर्व कर रहा है। इनको लग रहा है कि बोलने से ज़्यादा फिलहाल के लिए ऑब्जर्व करना ही सही है। साथ ही साथ ये बंदा पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का भी इंतज़ार कर रहा है। अभी हम देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन जिनके साथ आप रिश्ते में हो वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, ये नई शुरुआत चाहते हैं, जैसा कि करंट फीलिंग्स में है ना, बंदा या बंदी उसी तरीके से सोच रहा है कि रिश्ता दोस्ती से शुरू हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज पूरी खुली किताब, सफेद पन्ने जिसमें दोबारा से नए तरीके से बातें लिखा जाए, इस तरीके से सोच रहा है, रिश्ते को दोस्ती से शुरू करने के बारे में सोच रहा है। बंदा उम्मीद कर रहा है कि आप उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, या फिर अगर ये बढ़ा रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करो। माफ़ी मांगना या माफ़ कर देना, अगर ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं तो आप उनको माफ़ करो। अगर आपको लग रहा है कि आपने गलती किया है, अगर आपको माफ़ी मांगना चाहिए तो आपको मांगनी पड़ेगी।
किसी भी तरीके से रिश्ते में परेशानी को ख़त्म करके रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है बंदा या बंदी, ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये इंतज़ार कर रहा है कि आपकी तरफ से कब उनकी तरफ कोई, जैसा कि मैंने कहा कि ये उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, उस बात का इंतज़ार कर रहा है, उस वक्त का इंतज़ार कर रहा है जब आपकी तरफ से उनके तरफ कोई दोस्ती का हाथ आएगा, कोई ऐसी बातें होगी जिस बात से उनको ये पता चलेगा कि आप भी उसी तरीके से सोच रहे हो रिश्ते को लेकर जिस तरीके से ये बंदा सोचता है, बंदा या बंदी। नहीं, ये आपकी बच्चों की माता या पिता हो सकते हैं कभी, या आपको बहुत इनोसेंट एनर्जी में देखता है, हो सकता है आप उनसे उम्र में छोटे हो, ये आपसे उम्र में बड़े हैं, या फिर आप उम्र में बड़े हो, ये जो पर्सन जिनके साथ आप रिश्ते में हो और नो कॉन्टैक्ट में हो, ये आपसे उम्र में छोटे हैं, तो फिर भी छोटा होते हुए भी इनको रिश्ते की समझ है, लेकिन ये आपसे फिर भी उम्मीद कर रहा है कि कब आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा उनको बोल दो, कर दो, सॉरी कह दो, या फिर सॉरी ये कह रहा है तो अगर आप उनको एक्सेप्ट कर लो तो रिश्ते की आगे बढ़ने की चांसेस है, ऐसा ये सोच रहा है और ये उम्मीद भी कर रहा है आपसे। अभी हम देखेंगे ये खुद से क्या एक्शन लेंगे, अगर ये एक्शन लेते हैं खुद से क्या एक्शन ले सकते हैं, अगर ये बंदा खुद एक्शन लेगा तो किस तरीके का एक्शन लेगा देख लेते हैं। अगर ये बंदा एक्शन लेगा तो किस तरीके का एक्शन लेगा, अगर ये बंदा खुद से एक्शन लेगा तो किस तरीके का एक्शन लेगा। फाइव ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कोर्ट्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं ये बंदा इंतजार कर रहा है आपसे माफी की, उम्मीद यही कर रहा है कि आप उनसे माफी मांगो और दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, क्योंकि ये अपने ईगो से परेशान है, ये अपने आप से कोई एक्शन नहीं लेगा। आप किसी, आप खुद एरीज हो, आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो, कोई सजिटेरियस, कोई एरीज, कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। ये बंदा अपने आप में टूट जाएगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, रोएगा, लेकिन खुद से कुछ नहीं करेगा, ये अपनी जगह डटे रहेगा या डटी रहेगी। जिद्दी किस्म की बंदा या बंदी हैं, कितना भी आप सोच लो कि आप जितना दिन रुकना चाहते हो आप रुक जाओ, ये अपने तरफ से कुछ नहीं करेंगे, ये उम्मीद कर रहा है कि आप जो करना है आपको करना है। कोई वर्गो हो सकता है तो ये अपनी ईगो से परेशान बंदा रोएगा, माथा पीटेगा, परेशान रहेगा, लेकिन ऊपर से आपको देख के ये लगेगा कि ये, इनको किसी की परवाह नहीं है, लेकिन है, लेकिन एक बात है कि ये एक्शन नहीं ले पाएगा बंदा, क्योंकि इनको ईगो प्रॉब्लम है, ईगो का प्रॉब्लम है। देखो ये रोएगा, परेशान रहेगा, रात की नींदें खराब होगी उनकी, फिर भी ये अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेगा। लेकिन एक बात जरूर है, अगर आप खुद अपने तरफ से कोई एक्शन लेते हो तो ये बंदा या बंदी उसको एडमायर करेगा। ऐसा नहीं कि आप एक्शन ले रहे हो ये बात नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा, ये करेगा, ये उम्मीद ही कर रहा है, ये इंतज़ार कर रहा है आपकी तरफ से कोई क्लू मिले, आप आओ बात करो। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। ये रीडिंग होगी 7 से लेके 13 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं।
सेम टू सेम कार्ड आया है, सेम टू सेम। देखो फोर ऑफ सोर्ड्स दोबारा आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स दोबारा आया है दो दो बार, नाइट ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि अगर आप भी खुद को रोक के रखा है, रो रहे हो, आप भी अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिश्ता इतना भी ख़राब नहीं है जितना आप सोच सोच के इसे बना रहे हो। इसीलिए अपनी ईगो में ना रहे, खुद को परेशान ना करें। अगर आपको लगता है कि रिश्ते में एक्शन लेना चाहिए, देन यू टेक एक्शन। आपको एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप रोते रहोगे, परेशान रहोगे, खुद को कोसोगे, अपना नींद ख़राब करोगे, यूनिवर्स को कोसोगे, अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्या मैं अकेला ही था, मेरे साथ ही ऐसा होना था, ये आपकी सोच है। इस हर सोच को अपने दिमाग से निकाल के फेंके और एक्शन लेने के बारे में सोचे। जब तक आप अपने एनर्जी को इन्हेंस नहीं करोगे, जब तक अपने गुस्से पर मिट्टी नहीं डालोगे, जब तक आप अपने खुद को परेशान करना नहीं छोड़ोगे, तब तक आप परेशान रहोगे। अपने आप को आप परेशान कर रहे हो, किसी और को नहीं, क्योंकि रात को नहीं सोना, ये तो वो नहीं देखने आ रहा है कि आप रात को सो रहे हो या नहीं। आप रो रहे हो, यूनिवर्स से मदद मांग रहे हो, यूनिवर्स से लड़ रहे हो, ये कौन देख रहा है, ये आप ही तो झेल रहे हो ना। इसलिए खुद को संभालिए और अगर एक्शन लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि जिसके साथ आप रिश्ते में हो, अगर आप शेर हो तो वो सवा शेर है, वो नहीं लेगा एक्शन, वो रुका रहेगा, स्टक रहेगा। इससे अच्छा है भाई आप ही एक्शन ले लो, माफ़ी मांग लो, माफ़ कर दो, आगे बढ़ो। और माफ़ी मांगना किससे है, जिससे आप प्यार करते हो, तो इसमें क्या हर्ज है, वो क्या सोच रहे हैं, आप छोटे हो जाओगे, वो बड़े हो जाएंगे, सोचने दो बंदे को। लाभ तो आप ही का होगा, क्योंकि प्यार आप करते हो, वो बंदा आपको मिल जाएगा। इससे वो जो जैसा समझे समझने दो, आप अपने फ़ायदा देखो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।